हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपी स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका कोच किशन पांडे और आज के वीडियो में हम ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था मुझे कि सर ट्रिगर मूवमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूं। ट्रिगर मूवमेंट होता क्या है? ट्रिगर मूवमेंट वो मूवमेंट है जो बैट्समैन बॉलर जब आता है डिलीवरी स्ट्राइड में तब लेता है, वो मूवमेंट को ट्रिगर मूवमेंट बोलते हैं। तो चलो डिटेल में ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रिगर मूवमेंट चार तरीके के होते हैं, फ्रंट फुट प्रेस, बैक एंड अक्रॉस, बैक और अक्रॉस। दो और तरीके के ट्रिगर मूवमेंट होते हैं जो थोड़े अलग है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ट्रिगर मूवमेंट लेना कब है और हम ट्रिगर मूवमेंट लेते क्यों है। ट्रिगर मूवमेंट हम तब लेते हैं जब बॉलर अपने डिलीवरी स्ट्राइड में आता है, जब वो अपना बैक फुट लैंड करता है तब हमें ट्रिगर मूवमेंट लेना है। और हम ट्रिगर मूवमेंट लेते क्यों है? ताकि जैसे हमने ट्रिगर मूवमेंट लिया उसे ऐसे होता है कि हम रेडी है अभी बॉल फेस करने के लिए और हम कहीं भी कौन से भी साइड पे मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैटिंग करने के लिए ट्रिगर मूवमेंट लेना ही है, और विदाउट ट्रिगर मूवमेंट लिए भी बैटिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ट्रिगर मूवमेंट लेना ही है, विदाउट ट्रिगर मूवमेंट भी आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। वो आपके कम्फर्ट के ऊपर है कि आपको ट्रिगर मूवमेंट लेना है कि नहीं लेना है। तो अभी हम चारों ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका है फ्रंट फुट प्रेस। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली बैट्समैन एक फ्रंट फुट प्रेस करता है, आगे वेट डालता है। ये करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपको, आपका पैर आपको अक्रॉस नहीं लेके जाना है फ्रंट फुट प्रेस करते टाइम, सीधा लेके जाना है, अक्रॉस नहीं। अगर अक्रॉस लेके जाएंगे तो आपका हिप भी क्लोज होगा और चांसेस है कि आपका बैट बाहर से आएगा और LBW के आप कैंडिडेट बन सकते हैं। इसलिए आपको फ्रंट फुट प्रेस हमेशा सीधा करना है और आपका बैक फुट की लाइन में रहना चाहिए, आपका फ्रंट फुट ऐसे लाइन में, थोड़ा सा पीछे रहेगा चलेगा लेकिन ये फ्रंट फुट आगे नहीं जाना चाहिए, लाइन में ही रहना चाहिए। और फ्रंट फुट प्रेस आपको करना किस पे? आपको वॉल्स ऑफ द फीट पे करना है ताकि आप क्विक मूवमेंट कर सके। अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे जा सके, आगे जाना है तो आगे जा सके, हिल पे नहीं करना है। अगर आप हिल पे करेंगे तो आपका वेट पीछे रहेगा और आपको पीछे जाने में प्रॉब्लम होगा, ऐसे रखेंगे तो आप पीछे वेट नहीं डाल पाएंगे फिर। इसलिए आपको वॉल्स ऑफ द फीट पे करना है ताकि आप क्विक मूवमेंट कर सके। तो अभी हम दूसरे, तीसरे और चौथे ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तीनों सिमिलर है तो हम लोग एक ही इसमें कवर कर लेंगे। उसमें दूसरा ट्रिगर मूवमेंट है बैक। इसमें बैट्समैन सिंपली बैक जाता है और रेडी होता है ऐसे। तीसरा ट्रिगर मूवमेंट है बैक एंड अक्रॉस। इसमें बैट्समैन बैक भी जाता है और अक्रॉस भी ऐसे। और चौथा ट्रिगर मूवमेंट है अक्रॉस। इसमें बैट्समैन सिंपली अक्रॉस जाता है ऐसे। तो हमने तीनों ट्रिगर मूवमेंट के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे कि ये ट्रिगर मूवमेंट करते टाइम हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी बातें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ट्रिगर मूवमेंट छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा। अगर आपने समझो ट्रिगर मूवमेंट बड़ा लिया तो चांसेस है आपका स्टांस डिस्टर्ब होगा, मीन्स आपका हेड हिलेगा, और अगर आपका हेड हिला तो आपका आई लेवल भी हिलेगा तो आपको बॉल जज करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको ट्रिगर मूवमेंट छोटा ही लेना है ताकि आपका पूरा स्टांस स्टेडी रहे, हेड भी स्टेडी रहे और बॉल आप इजीली जज कर सके। सेकंड पॉइंट है, आपको ट्रिगर मूवमेंट एक ही टाइप का लेना है, मीन्स एक ही तरीके का आपको ट्रिगर मूवमेंट करना है। ऐसा ना हो आप कभी ट्रिगर मूवमेंट छोटा लो, कभी बड़ा लो, या तो कभी आप अक्रॉस जाओ ट्रिगर मूवमेंट में या कभी बैक में जाओ, ऐसा नहीं। आपको ट्रिगर मूवमेंट एक ही तरीके का लेना है, इसलिए आप फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे और आपको आदत रहेगा ट्रिगर मूवमेंट का। तीसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्रंट फुट है और बैक फुट है वो एक लाइन में रहना चाहिए। जब आप ट्रिगर मूवमेंट आपका कंप्लीट हो जाए ऐसे, और अगर समझो आपका फ्रंट फुट थोड़ा पीछे रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके बैक फुट के आगे नहीं जाना चाहिए।
अगर आगे गया तो आपको सेम प्रॉब्लम होगा, आपका आपका हिप क्लोज होगा और बॉल आपका जो लेग साइड का बॉल है वो खेल नहीं पाएंगे, आप LBW हो सकते हैं। इसलिए आपका बैक फुट और फ्रंट फुट एक लाइन में होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका ट्रिगर मोमेंट में आपका वेट कहाँ पे होना चाहिए, आपका वेट बॉल्स ऑफ द फीट पे होना चाहिए, ऐसे ना ही हिल पे ना ही टोस पे, बॉल्स ऑफ द फीट पे। अगर आपका वेट हिल पे रहा तो सेम आपको वही प्रॉब्लम होगा, आपका बैलेंस नहीं होगा और आपका मूवमेंट स्लो होगा और टोस के लिए भी वही प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको वेट बॉल्स ऑफ द फीट पे रखना है ताकि आप क्विक मूवमेंट कर सके दोनों साइड, फ्रंट फुट पे भी बैक फुट पे भी। तो अभी हम वो दो ट्रिगर मूवमेंट के बारे में देखेंगे जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन हम लोग इसके बारे में देख लेते। सबसे पहला वाला है, इसमें आप बैक जाते ऐसे, बैक जाते हैं लेकिन फ्रंट फुट प्रेस नहीं करते, फ्रंट फुट आपका हवा में ही रहेगा, सिर्फ बैक जाएंगे। शेन वॉन अपने लेट करियर में ये ट्रिगर मूवमेंट यूज़ करते थे। इसमें क्या करना है, आप बैक पे जाके फ्रंट फुट आपका हवा में ही रहेगा। अगर हम आपको समझो फ्रंट फुट पे खेलना है तो आप डायरेक्ट फ्रंट फुट पे पैर निकालेंगे ऐसे, और अगर समझो आपको बैक फुट पे खेलना है तो आप फ्रंट फुट पे प्रेस करके बैक फुट पे जाएंगे। दूसरे तरीके में आपको बस अक्रॉस जाना है, इसमें आपका स्टांस ऐसे रहेगा कुछ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जॉर्ज बेली ने ये ट्रिगर मूवमेंट यूज़ किया है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको बस अक्रॉस लेके आना है, इससे क्या होगा आपका जो बैक फुट है और फ्रंट फुट है वो एक लाइन में आएगा ऐसे। तो ऐसे आपको मैंने बहुत ही ट्रिगर मूवमेंट बताया, करीबन 6 तरीके के ट्रिगर मूवमेंट बताए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रिगर मूवमेंट यूज़ करना है आपके कंफर्ट के हिसाब से, तो आप वो ट्रिगर मूवमेंट यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको 6 ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बताया, आप सब ट्राई कर सकते हैं और आपको जो कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिगर मूवमेंट करके ही बैटिंग करें, अगर आप विदाउट ट्रिगर मूवमेंट करके अच्छा रिजल्ट दे रहे, अच्छा रन बना रहे तो वैसे ही रहने दीजिए, एट लास्ट रन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिगर मूवमेंट करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको सॉल्व करने के लिए। वीडियो पसंद आ रहेगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।